नमस्कार, आप देख रहे हैं जुबी न्यूज। तो वक्त हो गया है सुबह की ताजा बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंचती रहे। बिहार में लगा लॉकडाउन, राज्य में 6 सितंबर तक जारी रहेगी पाबंदियां, सरकार ने जारी की अधिसूचना। जी हां, बिहार में जारी इस बीमारी के बीच सरकार ने 6 सितंबर तक लॉकडाउन जारी रखने का फैसला किया है। सोमवार को बिहार सरकार के क्राइसिस ग्रुप मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग में यह फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि राज्य में 6 सितंबर तक लॉकडाउन जारी रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस बार भी धार्मिक स्थान बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन में सख्ती के साथ ही फिलहाल लॉकडाउन को जारी रखने का फैसला किया गया है। सुबहानी ने बताया कि पिछले आदेश में जो उपाय किए गए थे वो इस बार भी जारी रहेंगे। इसको लेकर बिहार सरकार के गृह विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। 6 सितंबर तक बिहार में कुछ शर्तों के साथ दुकान और बाजार खोले जाएंगे। बाजार खोलने का समय सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। गृह विभाग ने लॉकडाउन संबंधित आदेश जारी कर दिया है। पहले की तरह ही इस बार भी लॉकडाउन में शॉपिंग मॉल से लेकर धार्मिक स्थल तक नहीं खुलेंगे। रेस्टोरेंट में भी सिर्फ होम डिलीवरी की ही सुविधा मिलेगी। बिहार के सभी जिलों में निजी दफ्तर में सिर्फ 50% कर्मचारी आएंगे और राज्य में बसें नहीं चलेंगी। हालांकि जरूरी सेवाओं वाले दफ्तर को इससे मुक्त रखा गया है। बदल गए हैं SBI ATM से पैसा निकालने के नियम, अब ऐसा करने पर लगेगा जुर्माना। जी हां, भारतीय स्टेट बैंक ने 1 जुलाई से अपने ATM निकासी नियमों में बदलाव किया है। अगर इन नियमों का पालन नहीं किया गया तो ग्राहकों पर जुर्माना लगेगा। भारतीय स्टेट बैंक की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक SBI मेट्रो शहरों में अपने नियमित बचत खाता धारकों को ATM से 1 महीने में 8 मुफ्त लेन देन की अनुमति देता है। मुफ्त ट्रांजैक्शन की लिमिट पार करने पर ग्राहकों से प्रत्येक लेनदेन पर चार्ज लिया जाता है। SBI 1 महीने में अपने नियमित बचत खाताधारकों को 8 मुफ्त लेनदेन की अनुमति देता है। इसमें 5 SBI ATM और किसी अन्य बैंक के 3 ATM से मुफ्त लेनदेन शामिल हैं। गैर मेट्रो शहरों में 10 मुफ्त ATM लेनदेन होते हैं, जिसमें 5 लेनदेन SBI से किए जा सकते हैं जबकि 5 अन्य बैंकों के ATM से। बैंक खाते में 1 लाख रुपए से ज़्यादा का औसत मासिक बैलेंस करने वाले बचत खाताधारकों को स्टेट बैंक ग्रुप व अन्य बैंकों के ATM में असीमित लेनदेन की सुविधा देती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नीट JEE परीक्षा सितंबर में ही होगी, साल बर्बाद नहीं कर सकते। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2020 में आयोजित JEE और नीट परीक्षा को रोकने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा की पीठ ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा JEE मेंस को स्थगित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। परीक्षा रोकने वाली याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि क्या इस बीमारी की वजह से देश में सब कुछ रोक दिया जाए, छात्रों का एक कीमती साल को यूं ही बर्बाद होने दिया जाए। याचिका में देश में इस बीमारी के बढ़ते हुए संक्रमण के चलते सितंबर 2020 में प्रस्तावित JEE मेंस और नीट की परीक्षा को टालने की मांग की गई थी। इस मामले की सुनवाई जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच कर रही है। JEE मेंस परीक्षा 1 से 6 सितंबर तक आयोजित हो जानी है। नीट परीक्षा 13 सितंबर 2020 को देश भर में आयोजित करने की योजना है। इस परीक्षा को स्थगित करने की मांग को लेकर 11 राज्यों के 11 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। चीन में इस बीमारी की पहली वैक्सीन AD5-nCoV को मिला पेटेंट। जी हां, चीन में इस बीमारी की पहली वैक्सीन को पेटेंट मिल गया है। इसे कैंसिनो बायोलॉजिक्स इंक ने बनाया है। इस कंपनी को वैक्सीन बनाने में महारत हासिल है। कंपनी ने कहा है कि इस बीमारी की उसकी वैक्सीन AD5-nCoV को चीन के पेटेंट नियामक की मंजूरी मिल गई है। चीन के सरकारी अखबार पीपल्स डेली ने यह खबर दी है। अखबार ने चीन के राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रशासन द्वारा प्रकाशित दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा कि यह पेटेंट 11 अगस्त को जारी किया गया था। चीन के विशेषज्ञों का दावा है कि चीन सुरक्षित और प्रभावी तरीके से बहुत तेजी से इस बीमारी की वैक्सीन बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वैक्सीन को इस साल के आखिरी तक लॉन्च किया जा सकता है। चीन ने कहा कि तीसरे चरण के ट्रायल के दौरान चीन की वैक्सीन की प्रभाव क्षमता का आकलन किया जाएगा। अगर यह वैक्सीन सफल रहती है तो इसे बाजार में उतारा जाएगा।
भारतीय रेलवे ने कहा, निजी ट्रेन चलाने वाले ऑपरेटर अपनी मर्जी से चुन सकेंगे स्टॉपेज। जी हाँ, भारतीय रेल 109 रूट पर 150 निजी ट्रेन चलाने की जिम्मेदारी निजी ऑपरेटर को देने जा रही है। इसका मतलब यह है कि ट्रेन अपने रूट के किन स्टेशन पर कितनी देर के लिए ठहरेगी, इसका फैसला लेने का अधिकार निजी ऑपरेटर को दे दिया गया है। निजी ट्रेन चलाने वाले ऑपरेटर को उस स्टेशन का चुनाव करने की आज़ादी होगी जहाँ वे अपनी ट्रेन का ठहराव चाहते हैं। भारतीय रेल इस संबंध में जारी दस्तावेज में इसकी जानकारी दी गई है। निजी ऑपरेटर को पहले ही उस स्टेशन की लिस्ट रेलवे को मुहैया करानी होगी जहां पर वे ट्रेन का ठहराव चाहते हैं। इंडियन रेलवे की तरफ से निजी ट्रेन से संबंधित गाइडलाइन जारी की गई है। इसके मुताबिक निजी ट्रेन ऑपरेटर को रूट में पड़ने वाले स्टेशन पर स्टॉपेज की सूची के साथ ही यह भी बताना होगा कि ट्रेन कितने बजे उस स्टेशन पर आएगी और कब रवाना होगी। यह रेल परिचालन की योजना का ही एक हिस्सा होगा। समझौते के मसौदे के मुताबिक निजी ट्रेन ऑपरेटर को इसकी सूचना पहले देनी होगी। ट्रेन के स्टॉपेज की यह व्यवस्था कम से कम एक साल के लिए होगी और इसके बाद ही बीच में स्टेशन पर स्टॉपेज की समीक्षा की जा सकती है। सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखने की खबरों को कांग्रेस ने किया खारिज। कहा, फेसबुक केस से बीजेपी ध्यान हटाना चाहती है। जी हाँ, कांग्रेस से निकाले गए नेता संजय झा ने हाल ही में ट्वीट करके दावा किया था कि करीब 100 कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है, मगर पार्टी के मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करके इस दावे को खारिज कर दिया है। रणदीप सुरजेवाला ने अपने ट्वीट में दावा किया है कि ऐसी कोई भी चिट्ठी सोनिया गांधी को नहीं लिखी गई है और ये फेसबुक मामले से लोगों का ध्यान भटकाने की बीजेपी की साजिश है। सुरजेवाला ने बीजेपी पर हमला करते हुए लिखा कि स्पेशल मिस इन्फॉर्मेशन ग्रुप ऑन मीडिया टीवी डिबेट गाइडेंस ने व्हाट्सएप ग्रुप पे इस झूठ को फैलाने के लिए कहा है, जो कि बीजेपी की एक साजिश है। इससे पहले संजय झा ने ट्वीट करके कहा था कि करीब 100 कांग्रेस नेता सांसद समेत राज्य की स्थिति से व्यथित हैं। इन नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है जिसमें राजनीतिक नेतृत्व बदलाव और कांग्रेस वर्किंग कमेटी में पारदर्शी चुनाव की मांग की गई है। सरकार को चीन को झटका देने वाली रणनीति आईकॉम, 24 स्मार्टफोन कंपनियां भारत में लगाएंगी बड़े प्लांट। जी हाँ, अमेरिका से ट्रेड वॉर और पूरे विश्व में जानबूझकर इस बीमारी को फैलाने का पश्चिमी देशों का आरोप झेल रहे चीन को तगड़ा झटका लगा है। स्मार्टफोन बनाने वाली 24 कंपनियां चीन को छोड़कर भारत में अपना प्रोडक्शन यूनिट लगाने की तैयारी कर रही हैं। इससे ऐसा लग रहा है कि चीन छोड़ने वाली कंपनियों को लुभाने की भारत की रणनीति काम आ रही है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर एप्पल तक के लिए कंपोनेंट बनाने वाली कंपनियों ने भारत में निवेश करने की इच्छा जताई है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश है। देश में अब तक 3000 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लग चुकी हैं। केंद्र सरकार ने मार्च में ही इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में कुछ इंसेंटिव्स का ऐलान किया था। इसके मद्देनज़र करीब 24 कंपनियों ने भारत में मोबाइल फ़ोन की फैक्ट्रियाँ स्थापित करने की इच्छा जताई हैं। आईटी मंत्रालय के मुताबिक ये कंपनियां भारत में $1.5 बिलियन यानी करीब 11,200 करोड़ रुपए का निवेश कर सकती हैं। सैमसंग के अलावा फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन, पेगाट्रॉन जैसी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों ने भारत में फैक्ट्री स्थापित करने की इच्छा जताई है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का आरोप। कहा, राजभवन की हो रही है निगरानी, दस्तावेज हो रहे हैं लीक। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने आरोप लगाया कि राजभवन की निगरानी की जा रही है और इस कदम से संस्था की शुचिता कम हो रही है। विभिन्न मुद्दों को लेकर बीते एक वर्ष में राज्य की तृणमूल कांग्रेस की सरकार के साथ चल रही खींचतान के बीच धनखड़ ने यह दावा किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में अराजकता का माहौल है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि पर राजभवन में आयोजित कार्यक्रम के बाद धनखड़ ने प्रेस वार्ता में कहा कि मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि राजभवन निगरानी में है, इससे राजभवन की शुचिता कम हो रही है। मैं इसकी पवित्रता की रक्षा के लिए सब कुछ करूंगा। उन्होंने कहा कि मैंने इस मामले में गंभीर और अहम जाँच शुरू की है। राजभवन के कामकाज की शुचिता को बरकरार रखना होगा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार एक सूची या कागज जो बिना किसी मेरी मंजूरी के राजभवन से बाहर नहीं जाना चाहिए, बाहर प्रसारित हो रहा है। दस्तावेज प्राप्त किए जा रहे हैं। मैंने इसे लेकर जांच शुरू की है। जिन लोगों ने ऐसा किया है उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी होगी।
अब हम अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण कोंकण और गोवा, तटीय व उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, पूर्वी मध्य प्रदेश, गुजरात, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के बीच कुछ इलाकों में भारी वर्षा की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, झारखंड के कुछ हिस्सों, गंगेय पश्चिम बंगाल, उत्तरी कोंकण, गोवा और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों, पूर्वी राजस्थान, ओडिशा के कुछ भागों, आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के भी कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने के आसार हैं। आज का माइंड क्विज क्वेश्चन आ चुका है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? आप इस सवाल का जवाब जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में दे दीजिए और अगर आपने अभी तक जियो न्यूज को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो मिलते हैं दोपहर और दिन भर की खबरों के साथ, अभी के लिए धन्यवाद।